नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लोपिरामाइड ये एक एंटी डायरियल ड्रग के बारे में जानकारी ली थी और आज का जो वीडियो है इसमें भी हम एक एंटी डायरियल ड्रग ही देखने वाले हैं और उसका जो नाम है वो है रेसिका डोट्रिल। लेकिन ये जो ड्रग है वो लोपिरामाइड से अलग है, वो कैसे वो जानने के लिए आपको आज का जो वीडियो है ये आखिर तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वैसे भी बहुत शॉर्ट वीडियो है, इसे आप आखिर तक ज़रूर देखिए और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गमाते हुए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज का जो ड्रग है वो एंटी डायरियल है, मतलब डायरिया के पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अलग है। तो वो ऐसे है कि ये जो ड्रग है ये एंटी सिक्रेटरी एजेंट है। हमने जो लोपिरामाइड ड्रग देखा था वो एंटी मोटिलिटी एजेंट था, मतलब वो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी जो है उसे कम करता है। लेकिन ये जो ड्रग है ये एंटी सिक्रेटरी है, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर डायरिया में जो सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं उसे ये जो ड्रग है वो कंट्रोल करता है। और इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये जो ड्रग है ये डेल्टा रिसेप्टर्स रहते हैं, ये डेल्टा रिसेप्टर्स है, ये ओपियोइड रिसेप्टर्स है, ये डेल्टा रिसेप्टर्स को ये ड्रग स्टिमुलेट करता है, यानी इसका ये जो ड्रग है वो एगोनिस्ट है। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब ये जो ड्रग है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसके बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो ऐसे है कि पेशेंट को नौशिया हो सकता है, उसे वोमिटिंग हो सकता है, फिर हेडेक हो सकता है, बॉडी पे रैशेस आ सकती है, या फिर पेशेंट को कभी कभी ड्राउजीनेस भी, मतलब सुस्त सुस्त या नींद जैसा लगता है। तो ये होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब ये जो ड्रग है इसका मेन एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेजेस ऐसा है कि ये जो ड्रग है, पहले तो इसका एलिमिनेशन हाफ टाइम बहुत कम है, मतलब 3 घंटा ही है, मतलब जल्दी से जल्दी ये बॉडी से निकल जाता है। दूसरा, ये जो ड्रग है हम इसे छोटे बच्चों में यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा था कि जो लोपिरामाइड है वो छोटे बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन ये जो ड्रग है हम ये छोटे बच्चों में यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रग है इसका यूज़ कहाँ होता है। इसका जो यूज़ है वो होता है एक्यूट सिक्रेटरी डायरिया, मतलब जो क्रोनिक डायरियाज रहते हैं इसमें ये जो ड्रग है वो इस्तेमाल नहीं होता। अब ये जो ड्रग है ये कौन से फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल रहता है? तो ये आइदर टैबलेट या फिर कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल रहता है, जिसकी स्ट्रेंथ रहती है 100 मिलीग्राम, या फिर ये सैचेट फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, जो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल रह सकते हैं, जैसे 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम या फिर 50 मिलीग्राम। अब ये जो ड्रग है इसका डोज क्या होता है? तो दोस्तों, जब ये ड्रग हम अडल्ट्स में यूज़ करते हैं, जब हम ये जो ड्रग है उसे एडल्ट्स में यूज़ करते हैं तो इसका जो डोज है वो है 100 मिलीग्राम TDS या फिर 3 times a day, ये है इसका डोज एडल्ट्स में। और जब हम चिल्ड्रन में इसका यूज़ करते हैं तो इसका जो डोज है वो है 1.5 मिलीग्राम पर kg पर डे। तो इस प्रकार ये जो ड्रग है इसका ये जो डोज है वो यूज़ होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है इसमें आपको रेसिका डोट्रिल, ये एक इम्पॉर्टेंट जो एंटी डायरियल ड्रग है, उसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।